इस वेले दी वड्डी खबर दिल्ली तो सामने आ रही है जिथे कि दिल्ली विधानसभा चोणां च जित हासिल करने वाले महरौली दे विधायक नरेश यादव दे काफले ते हमला किया गया है। नरेश यादव दे काफले ते सिद्धियां गोलियां चलाईयां गईयां ने। इस घटना विच आम आदमी पार्टी दे एक वर्कर की मौत भी हो गई है ते एक जख्मी दस्या जा रहा है। हालांकि इस हमले च नरेश यादव बाल बाल बच गए ने। विधायक दे काफले ते हमले की खबर तो बाद आम आदमी पार्टी दे संसद मैंबर संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि विधायक नरेश यादव दे काफले उत्ते श्रेआम हमला किया गया है। मीडिया रिपोर्टा मुताबिक यह वारदात उदों वापरी जदों नरेश यादव चोण जितने तो बाद मंदिर के दर्शन करके परत रहे सन। घटना की सूचना मिलते सार ही मौके से पुलिस वालों हमलावरों की गिरफ्तारी लिए भाल शुरू कर दी गई है। अरोड़ा साहब जो आपके विधायक ने नरेश यादव जिन्होंने कल जित भी हासिल की बड़ी तो उन्होंने काफले से हमला होया की सी पूरा मामला है? देखो इस तरह है कि जिवें तुसी पहले दिन तो देख रहे हो जिस दिन की दिल्ली की इलेक्शन अनाउंस हुई है जी। उस दिन तो ही बीजेपी वाले या विरोधी पार्टियां वाले ने जिहड़े वो बखलाहट दे विच ने कदे वो धर्म की मंदिर की मजहब की गल करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाउण दी गल्लां करते हैं तो उस तो बाद गोलियां तक च ने जिहड़ियां वो चलवाईया गई तो मैं समझदा कि जे हुण दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिता है एडा लैंडस्लाइड मैंडेट दिता है काफले शरारती अंसर ने पोलिटिकल पार्टियां दे गुंडे पाले हुए ने वालों हमला होया ते हुण उहदे च इक साडे साथी की मौत हो गई दूजे गंभीर रूप दे विच जख्मी है। मैं समझदा कि इहदे लई सिद्धम सीधे तौर दे उपर श्री अमित शाह जिहड़े कि होम मिनिस्टर ने जिन्हां दे अंदर दिल्ली दी पुलिस आउंदी है लॉ एंड ऑर्डर आउंदा है जी। अरोड़ा जी जिस तरह हुण इह खबर सामने आई है नरेश यादव नूं तां नहीं कोई नुकसान पहुंचे तुहाडी नॉलेज च कोई होणी है गल्लबात? नहीं मैनूं भी एक्चुअली रात इह पता नहीं लग्गिया हैगा हुण सवेरे टीवी चैनल तों पता लग्गिया हुण नरेश यादव जी उहनां नाल गल करदे हजे होई नहीं हैगी पर जिहड़ी इनफॉर्मल इनफॉर्मेशन हुई है वी उहनां दी बचत है पर जिहड़े वर्कर साडे उहनां दे सट्टां लग्गियां ने और इस दी मौत होई है जी। जी जानकारी देने बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेहरबानी थैंक यू। दविंदर जिहड़े महरौली तो विधायक ने नरेश यादव जिन्होंने जित हासिल की है कल उन्हां ते हमला होया की ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल कल कुलवीर जी देखो किस तरह जिहड़ा पूरे दिल्ली दे विच जश्न दा माहौल सीगा जिहड़ा दिल्ली दे विच बाहर सीटां दे उत्ते आम आदमी पार्टी ने फिर जिहड़ा दिल्ली विच झाड़ू चलाया जी। शाम नूं जिहड़ा है नरेश यादव जिन्हां दी तुसीं गल कर रहे हो मंदिर तों मत्था टेक के आ रहे सीगे ते एक रैली दे रूप विच ओपन जिप्सी दे विच ओ आ रहे सीगे अपने कार्यकर्ताओं दे नाल जी ते एकदम जिहड़ा उहनां दे उत्ते तीन चार राउंड फायर होए है अणपछाते व्यक्ति वल्लों हले तक उहदी कोई पहचान नहीं हो पाई है कोई कारण हले सामने नहीं आया जी। इस विच मैं तुहानूं इत्थे दस देवां कि इत्थे एक व्यक्ति दी जिहड़ी मौत भी हो चुकी है और एक जिहड़ा हैगा ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਿੰਦਰ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 62,301 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ 44,085 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ 6,936 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।